और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, शहडोल से मिल रही है। यहां पर मेडिकल कॉलेज में 6 मरीजों की मौत का मामला। इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। मरीजों की हालत जो है काफी गंभीर थी, ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हुई है। तो शहडोल के मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में 6 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा है। परिजनों का आरोप है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से मरीजों की मौत हुई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है मरीजों की हालत खराब थी और इसके चलते ही उनकी मौत हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के आरोपों को अस्पताल प्रबंधन ने सिरे से नकारा है। उधर राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नहीं हुई है, हालांकि इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। और हाँ, कल आपको कई 6 डेथ हुई है और वो भी डेथ सिर्फ आईसीयू में हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी ही कारण था तो ऑक्सीजन आईसीयू में हमारे 62 मरीज एडमिट है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है, डेफिनेटली अभी हम कॉज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे, मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे उनकी डेथ हुई है, और लेकिन अभी भी ऑक्सीजन का प्रदाय जारी है। डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहाँ के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहाँ पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, पर तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी।